Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is another advertisement related to FPSC Jobs 2021. FPSC की तरफ से एक और advertisement आई है, जो कि 7 नवंबर 2021 को post की गई है. Education इसमें bachelor's, MPhil, master's और PhD होनी चाहिए. सबसे कम bachelor's, bachelor से कम education ना हो apply करने के लिए. Last date to apply for this job is 22nd November 2021. Total vacancies 85 हैं. Federal Public Service Commission की तरफ से ये advertisement है. अब मैं आपके साथ share कर देती हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं. सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, एसोसिएट प्रोफेसर बायोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल, सिविल सप्लाई ऑफिसर एंड सीनियर टीचर. ये वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट बैचलर्स होनी चाहिए. अब आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? To watch more informative and entertainment videos, you can subscribe my another channel, Top Archives. Here you can find a lot of informational and entertainment videos. You can enjoy your free time by collecting valuable information here. Online apply करने के लिए आप FPSC की website को visit कर सकते हैं, www.fpsc.government.pk. To fill the application form online, visit the prescribed link or click here. आप यहाँ पर क्लिक करके भी FPSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ साइट पर न्यूज़ का ऑप्शन आ रहा होगा. ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा. यहाँ पर ये लिखा है, अगर आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं. और अगर आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आपने चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से. और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर, यह आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, इसको आप यहां से फिल करके तो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं. लास्ट डेट 22 नवंबर है, सो उस डेट से पहले पहले अगर आप ये जॉब, इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 22 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर दें. इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.